हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं इस वक्त शाम को तो रीडिंग आएगी, लेकिन मैंने सुबह एक पोल डाला था जिस पे मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स मैं बताया करूँ जिससे आपके लव लाइफ थोड़ी बेहतर हो, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप उसमें देख पाओ। क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ आपको मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, और उसके टेक्निक्स कई सारे होते हैं वैसे तो लेकिन आज मैं जो टेक्निक बता रही हूँ ये सबसे सिंपल है और मेरी फेवरेट टेक्निक है, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है एंड मुझे इसके ग्रेट रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, किसी का कॉल आ जाए या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी बात हो जाए या वो आपके लिए प्यार फील करने लगे, तो आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ रेस्टलेसनेस, गुस्सा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी लेके आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आपको लाइफ में, चाहे वो कोई रिजल्ट हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, सबसे पहले तो आपके अंदर उस चीज़ के एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं रही ना आप लोगों के अंदर, तो फिर उसको मैनिफेस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, कि हाँ ये करंट सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी ना रखना, ठीक है। चाहे वो कोई बंदा है या कोई बंदी है या कोई सिचुएशन है, उसके लिए ना मन में कोई नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छे माइंडसेट में ही आपको मैनिफेस्ट करना है। आज स्पेसिफिकली हम जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो है फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आपने इसके ऊपर कई वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपको अपने तरीके से बताऊं। जो लोग मेरी बात को समझ पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, मैं चाहती थी कि मैं अपने चैनल पे भी आपको समझाऊं कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है इसका। तो नाम आपको समझ गया कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। लास्ट टाइम हमने 2 कप्स मैनिफेस्टेशन भी किया था और उसकी लिंक मैं कहीं दे दूंगी या फिर कार्ड्स पे या एंड स्क्रीन पे आ जाएगा वीडियो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आज का जो टेक्निक है उसके लिए आपको चाहिए अपने पर्सन का फ़ोटो, चाहे फिर वो आपके फ़ोन में हो या उसकी फ़िज़िकल कॉपी है, ठीक है, कुछ भी चलेगा। फ़ोन में होगा तो भी अच्छा है, तो भी ठीक है, फिज़िकल उसकी कॉपी है, हार्ड कॉपी आपके पास, तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बट उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि अभी मैंने यहाँ पे मेरा फेवरेट जो एक्टर है शाहिद कपूर, मैंने उसकी फ़ोटो ली है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अपने पर्सन का चेहरा, अपने पर्सन के चेहरा आपको क्लियरली दिखे और उनकी आँखें, अगर आप फोटो छोटा है तो उसको जूम कर लीजिए और उनकी आँखों क्लियर दिखनी चाहिए आपको, उनकी आंखें, जितनी क्लियर आंखें दिखेंगी तो ही ये मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करेगा, वरना मैनिफेस्टेशन, ये मेरे हस्बैंड का मैसेज आ गया, तो मैनिफेस्टेशन फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जितना क्लियर फ़ोटो है, जितनी क्लियर आंखें दिखेगी आपके पर्सन की, वैसा फ़ोटो ले लेना आपको। आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसकी प्रिंट निकाल लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है फ़ोन से। तो ये एक पहली चीज़ है जो आपको करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको ये, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, किसी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं करना। जब आपकी बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, चिड़चिड़ हो रही है कि अरे इसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, ये ऑनलाइन क्यों नहीं है, इसने मेरे को ब्लॉक क्यों कर, ऐसा माइंड स्टेट में नहीं करना। आपको एकदम पीसफुल, जब आप खुश हो, अंदर से आप बहुत खुश और हैप्पी और एकदम लाइट फील कर रहे हो ना, तभी ही आपको ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। गुस्से में, टेंशन में, स्ट्रेस में ये अप्लाई नहीं करनी है। पहले अपने आप को काम कर लो, शांत हो जाओ, खुशी खुशी, दिल से जब खुशी आ रही है आपकी, तब इसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट्स तो मैंने बता दिया आपको, एंड ट्राई करो कि ये मैनिफेस्टेशन ना आप मोस्टली रात को करो, ठीक है, अकेले में करो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि क्या पागल क्या कर रहा है, अकेले में बैठ के बातें क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बात करनी है ना, तो किसी को ऐसा ना लगे कि इसके दिमाग पे असर हो गया और ये अकेले में ही बात कर रहा है अपने से ही। तो अकेले में जब रहोगे तब करो, और ऐसा कोई स्पेसिफिक वैसे तो टाइम नहीं है, बट रात को कैसे हम पीसफुल होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, शांत होते हैं,
तभी आपको करना है, रोते रोते करना नहीं है। डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, तभी नहीं करना आपको, अवॉइड कीजिए। फिर रोज़ करना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दिन में 10 बार भी नहीं करना आपको, मैं तो कहूँगी दिन में 1 बार ही करना है आपको, और मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँगी 15 दिन करो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा भी अकेले अकेले में बैठ के बात करना अच्छा नहीं रहता है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 15 दिन ही करो एंड बाद में सरेंडर कर दो, यूनिवर्स देख लेंगे जो होगा वो। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप एक शांत जगह पे बैठ गए और आप हैप्पीनेस फील कर लो अपने अंदर, हैप्पी फील करो अंदर से, लाइवली फील होना चाहिए आपको, हैप्पी फील होना चाहिए। एंड तब आपको क्या करना है, अपने पर्सन की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, क्लियर होनी चाहिए और आँखें दिखनी चाहिए। आँखें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी से हम कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो क्लियर आँखें होगी तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे आप। अगर आँखें क्लियर नहीं है, गॉगल लगी है, चश्मा लगा है, चश्मा ठीक है चलो, गॉगल लगी है काला वाला, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और तो आपको अपने पर्सन की फ़ोटो पकड़नी है एंड आपको मुस्कुराना है, आपको हैप्पी फील करना है, एकदम लाइट फील करना है, और आपको बोलना है अच्छी अच्छी बातें अपने पर्सन के बारे में। सबसे पहले तो ऐसा फील करना जैसे वो आपके सामने ही बैठे हुए और आप प्यार भरी बातें कर रहे हो उनसे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अकेले में करिए, वरना लोगों को लगेगा कि पागल हो गया है। और अपने मम्मी डैडी से, सिस्टर भैया से बच के करिए, अगर पता चल गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो आपको बोलना है अपने पर्सन को, फॉर एग्जांपल मैं को शाहिद को, यू नो, आई वांट टू अट्रैक्ट हिम, आई वांट टू मेक हिम फील माय लव, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना है मुझे, इनको अट्रैक्ट करना है अगर मेरी तरफ। सो पहले तो मैं अच्छी बातें बोलूँगी इनके लिए कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी आँखों में कितना प्यार है, तुम कितने काइंड सोल हो, कितने काइंड हार्टेड पर्सन हो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना विश्वास है, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, तुम भी मुझे मिस कर रहे हो इस वक्त, तुम्हें भी मेरी याद आ रही है, तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे पास आना चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो क्यों रोक रहे हो अपने आप को। मैं तैयार हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हें माफ़, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं तैयार हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, बस तुम आ जाओ। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, हमारा रिश्ता कितना ब्यूटीफुल। तो सब अच्छी अच्छी बातें ही आपको बोलनी है, ठीक है। जितना अच्छा बोलोगे, कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है, गुस्सा, टेंशन, अपना स्ट्रेस नहीं उतारना है उन पे, ठीक है। उससे क्या होगा, वो और दूर जाते जाएंगे आपसे। आपको उनको अच्छी बातें बोलनी है, मस्का नहीं लगाना है, दिल से बोलना आपको, जो अच्छी अच्छी सच में आपके रिश्ते से जुड़ी अच्छी बातें बोलनी है, जो वक्त आप लोगों ने साथ में बिताया था। मैं तो बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट से ज़्यादा मत करिए इसको, क्योंकि वो एक बहुत कई बार हो जाता है ना कि हम बहुत लंबी किसी चीज़ को अगर खींचते हैं ना, तो वो नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो उससे अच्छा है शॉर्ट एंड स्वीट रखिए एंड बस सो जाइए, ठीक है। या फिर अपना फ़ोन या अपना फ़ोटो जो है उसको रख दीजिए बाजू में, आई लव यू, मिस यू, सब कुछ बोल के छोड़ दीजिए। ऐसा सोचिए कि वो पर्सन थे आपके सामने और आप उनसे बात कर रहे हो, बट सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातें कर रहे हो आप दोनों के रिश्ते के बारे में। आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हो ना, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना ट्राई करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको ऐसा बोल रहे हो कि हम दोनों कितने साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, हम दोनों की बातें कितनी अच्छी होती है, हम कितना दिन भर बात करते एक दूसरे से, और ऐसा लगता है ये वक्त ही ख़त्म ना हो। तो अच्छी बातें प्रेजेंट टेंस में बोलोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलती हूँ 15 दिन तक करो, 15 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। ब्रेक लेके आप बाद में फिर से भी कभी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टेक्निक है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ सिर्फ लवर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने किसी दोस्त के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर उनसे आपका झगड़ा हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, आपके फैमिली में किसी के साथ आपका अच्छे से नहीं बनता है, तो आप उनको भी ये वाइब्रेशंस सेंड कर सकते हो उनके फ़ोटो के थ्रू, ठीक है।
गलत बातें बोलनी नहीं है, तो प्लीज़ गलत माइंडसेट में इसको मत करिए, अच्छे माइंडसेट में करिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ये बोल के आपको रख देना है। दूसरे दिन जब भी आपको लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोज़ करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 15 दिन आप लगातार करो, ट्राई करो करने का, नहीं होता है तो भी इट्स ओके, जब भी आपका मूड अच्छा होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है, तभी ही करना है इसको, ठीक है। और इस पर ट्रस्ट करके करना है। अगर आप डिस्ट्रस्ट, पहले ही आपने इसको ऐसे बोल दिया यार ये तो क्या होने वाला है, इतना कुछ करके नहीं हुआ, ये क्या होने वाला है, तो फिर भूल जाओ। जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे, जितना विश्वास रख के करोगे, उतनी ही चीज़ें फास्ट होती है, ठीक है। एंड अब ये था फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। बेसिकली देखिए, हर मैनिफेस्टेशन का एक ही फंडा होता है कि हमें सामने वाले पर्सन को प्यार वाली वाइब्रेशन सेंड करना है, भूल जाना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है, ठीक है। टेंशन मत लो, कोई गिले शिकवे मत रोना उनके सामने, ठीक है। फिर से याद दिलाती हूँ, अच्छी बातें करनी है, अच्छे माइंडसेट में करिए, रोज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, 15 दिन तक करिए, मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट तक करिए, छोड़ दीजिए, भूल जाना है उसके बाद, ठीक है। उसी माइंडसेट में मत रहिए कि मेरे को कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, ब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक नहीं किया, जो भी है, ठीक है, उसको भूल जाना है, सरेंडर कर देना, यूनिवर्स पे डाल देना है कि आप मेरे लिए जो करोगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है। आई होप अभी शाहिद कपूर मेरे पास आ जाए, मेरा कबीर सिंह मेरे पास आ जाए, मैं तो चाहती हूँ, नहीं मेरा कबीर सिंह तो मेरे पास ही है। सो जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली ट्राई करिए, मुझे बताइएगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। डेफिनेटली इसका हेल्प आपको होगा, मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। लाइक शादी के पहले की बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड पे मैंने बहुत बार ट्राई किया था। एंड वैसे तो हमारे लाइफ लाइक टच वुड, मेरे और मेरे हस्बैंड में ना तो शादी के पहले और ना तो शादी के बाद में कोई ऐसा समय आया ही नहीं जब उसने मुझे ब्लॉक किया या वो मुझसे दूर गया। बहुत सिंपल एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारा रिलेशनशिप रहा है, तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ा ज़्यादातर। लेकिन फिर भी हो जाता ना कभी कभी थोड़ा बहुत, मैं ही प्रॉब्लम्स लाइक मैं ही गुस्सा करती थी और मैं ही फिर उसको मनाने के लिए उसको अट्रैक्ट करती थी। सो ये करिए आप, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। एंड मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है बट आपको समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे पूछना, मैं बता दूंगी आपको। आई होप मैंने लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। सो अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, नीचे जो कम सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा देना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है। उसके बाजू में जो एक घंटा है, बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना है। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों से या किसी को भी अगर ज़रूरत है उनसे शेयर ज़रूर करिएगा। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम को वीडियो आएगी तो उसका वेट करिए, कल का वीडियो भी देखिएगा 15 डेज का। आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत लोगों को पसंद आया है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।